हिंदुस्तान की सियासत के सबसे ज्यादा गहमा गहमी और रोमांच से भरे राष्ट्रपति चुनाव अभी कुछ ही हफ्ते पहले बीते थे। देश की हुक्मरान पार्टी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के सारे खतरे मंडरा रहे थे। एक शख्स था जिसको दोनों खेमों का विश्वास हासिल था। भोपाल से नेतागिरी करके महज 2 बरस पहले ही ये वकील और फिर वकालत का प्रोफेसर रहा नेता दिल्ली पहुंचा था। सुबह ये पार्टी के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा की बातचीत सुना करता था, क्योंकि निजलिंगप्पा ही उसे भोपाल से दिल्ली लेकर आए थे और पार्टी में सचिव बनाया था। और शाम को ये शख्स इंदिरा गांधी, जो उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी, उनके पास पहुंच जाता था। इंदिरा के लोगों ने इसे पार्टी का सच्चा सेवक कहा, निजलिंगप्पा के लोगों ने इसे विभीषण कहा और इस पूरे वाकये के महज 18 साल के बाद ये नेता देश का उपराष्ट्रपति बना और उसके 5 साल बाद देश का राष्ट्रपति। मैं बात कर रहा हूँ शंकर दयाल शर्मा की, जिन्होंने इंदिरा गांधी का पाला इसलिए चुना क्योंकि उनके पति फिरोज उनके दोस्त थे। एक ऐसा अभागा राष्ट्रपति जिसके सामने मर्सी पिटीशन आई उसकी अपनी बेटी गीतांजलि और दामाद ललित माकन के कातिलों की। एक राष्ट्रपति जिस पर ब्राह्मणवाद का इल्जाम लगा क्योंकि एक ब्राह्मण पीवी नरसिम्हा राव ने देवेगौड़ा के पक्ष में खत देर से जारी किया और एक दूसरे ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी को शपथ के लिए शंकर दयाल शर्मा ने न्योता भेज दिया। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह है dlallantop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। आज बारी देश के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के पॉलिटिकल किस्सों की। मगर किस्सों की शुरुआत के लिए मैं 1992 से, जिस साल वो राष्ट्रपति बने, 23 बरस पीछे लौटना चाहता हूँ। 1969 का वक्त, जब देश के सबसे दिलचस्प, सबसे रोमांचक राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले हुए, दूसरी वरीयता के मत गिने गए और कांग्रेस में विभाजन हुआ। कांग्रेस के विभाजन के दिनों की बात है। एक नेता सुबह के वक्त, जब पार्टी के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा उस वक्त की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर रहे होते थे, तो ये नौजवान उनके साथ होता था क्योंकि ये पार्टी का सचिव था। लेकिन शाम का सूरज जैसे ही दिल्ली में ढलता था, ये नौजवान प्रधानमंत्री के आवास पहुंच जाता था उन्हें बताने कि आज पूरे दिन पार्टी अध्यक्ष ने आपके बारे में क्या कहा और क्या सोचा। तो इंदिरा के समर्थकों ने इसे पार्टी का, देश का सच्चा सेवक कहा और पार्टी अध्यक्ष ने पूरा मामला खुलने के बाद इस नेता को विभीषण करार दिया। ये नेता थे शंकर दयाल शर्मा। 1967 तक भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजनीति करते रहे। जब चुनाव हारे तो दिल्ली बुला लिए गए, दिल्ली में संगठन की सियासत करने लगे। निजलिंगप्पा इतने नाराज थे शंकर दयाल शर्मा के विश्वासघात से कि जब एक पल को लगा कि उनके और इंदिरा के बीच के मतभेद दूर हो जाएंगे और पार्टी का विभाजन रुक जाएगा, तो शर्त रखी गई इंदिरा के खेमे की तरफ से कि सी सुब्रमण्यम और शंकर दयाल का CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी से निष्कासन वापस ले लिया जाए। निजलिंगप्पा सुब्रमण्यम के नाम पर तो सहमत हो गए, लेकिन शंकर दयाल के नाम पर अड़ गए कि इसको कतई वापस नहीं लूंगा। और इस मोड़ पर आके दोनों के बीच की बातचीत टूट गई और कांग्रेस का विभाजन हो गया। शंकर दयाल को वफादारी का इनाम मिला। इंदिरा की सदारत में जो नई पार्टी बनी कांग्रेस आर, शंकर दयाल शर्मा को उसका वरिष्ठ महासचिव बनाया गया। कुछ ही वर्षों में, जब उस वक्त के प्रेसिडेंट कांग्रेस आर के संजीवैया की मृत्यु हो गई, तो इनको पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया। और जब अध्यक्षता पूरी हो गई 74 में, तो इंदिरा की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। 77 का चुनाव हारे, 80 का चुनाव भोपाल से जीते, लेकिन इंदिरा ने किनारे कर दिया। 84 तक महज सांसद बन के दिल्ली की सड़कें नापते रहे, बीच बीच में भोपाल जाते रहे। फिर 84 में इंदिरा के एक सैफेसालार ने हैदराबाद में एक कांड कर दिया, जिससे कांग्रेस और इंदिरा की छीछा लेदर हुई और पोछा लगाने के लिए शंकर दयाल शर्मा को भेजा गया।
कांड करने वाले थे कांग्रेस के रामलाल, जो उस वक्त आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे। आंध्र प्रदेश में एक बरस पहले ही एनटी रामा राव की सरकार आई थी कांग्रेस को हराकर। रामा राव इलाज के लिए अमेरिका गए। रामलाल के कहने पर भास्कर राव नाम के नेता ने, जो कांग्रेस से टीडीपी में गए थे, बगावत कर दी और इन्होंने फौरन उन्हें मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलवा दी। रामा राव वापस आए और बहुमत से ज्यादा विधायकों का डेरा डाल के दिल्ली बैठ गए। पूरे देश में इंदिरा गांधी को लोकतंत्र का हत्यारा बताया जाने लगा। मजबूरन स्थिति को संभालने के लिए शंकर दयाल को भेजा गया। जो पहला काम शंकर दयाल ने आंध्र प्रदेश के गवर्नर के तौर पर किया, वो था कांग्रेस के मुख्यमंत्री भास्कर राव की बर्खास्तगी और विपक्षी दलों में से एक तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामा राव को दोबारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलवाना। 1987 में ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल के बाद, जब राजीव गांधी ने, जो प्रधानमंत्री भी थे उस वक्त और कांग्रेस के अध्यक्ष भी, उस वक्त के उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामित कर दिया और वो जीत भी गए, तो फिर चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का। और इस बार याद किया गया पिछले 3 बरस से अलग अलग प्रदेशों में गवर्नर की जिम्मेदारी निभा रहे शंकर दयाल शर्मा को। शंकर दयाल शर्मा आराम से चुनाव जीत गए। कांग्रेस के पास लोकसभा और राज्यसभा में प्रचंड बहुमत था, मगर 1 बरस के भीतर ही उनकी राजीव के चमचों से अदावत हो गई। क्या थी इसकी वजह? एक बिल था जिस पर राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि विपक्ष के सदस्यों को ज्यादा बोलने दिया जाए, लेकिन उस वक्त के उपराष्ट्रपति और इसी हैसियत से राज्यसभा के सभापति शंकर दयाल शर्मा को संसदीय परंपराओं का ये तकाजा लगा कि विपक्ष के नेताओं को उनकी बारी आने पर बोलने दिया जाए। जब विपक्ष के सांसद बोल रहे थे तो राजीव गांधी के दो चेले राजेश पायलट और पी चिदंबरम वेल में जाकर हल्ला करने लगे और सभापति से बदतमीजी भरा व्यवहार करने लगे। राजीव ये सब देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री राज्यसभा से उठकर बाहर चले गए। शंकर दयाल शर्मा, जो धैर्य की प्रतिमूर्ति माने जाते थे और जो डांटते वक्त भी अपनी आवाज कभी तेज नहीं किया करते थे, उन्होंने आपा खो दिया। वो लगभग चीखते हुए इन सत्ताधारी सांसदों से बोले कि जाओ जाकर अपने पार्टी प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री से कह दो कि अगर यही हाल है सदन का तो मुझे नहीं करना सभापति का दायित्व पूरा, किसी और को सभापति चुन लें। बाद में राजीव को अपनी गलती समझ में आई, लेकिन उन्होंने प्रकट रूप से माफी नहीं मांगी। शंकर दयाल को भी लगा कि संसद में इस तरह की चीजें अपवाद स्वरूप ही सही होती रहती हैं और इसको मन में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने उसी दिन शंकर दयाल शर्मा के राजनीतिक करियर का मरसिया पढ़ दिया और कहा कि अब राष्ट्रपति के पद पर उनकी बारी नहीं आएगी। मगर भविष्य कौन जानता है? कौन जानता था कि अगले राष्ट्रपति के चुनाव से पहले पीवी नरसिम्हा राव, वो नेता जो रिटायरमेंट के लिए तैयारी कर रहा था और 1991 का चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा और राजीव गांधी के नाम के आगे स्वर्गीय लग जाएगा। ऐसा ही हुआ और शंकर दयाल शर्मा की बारी आई। शंकर दयाल शर्मा को बारी देकर पीवी नरसिम्हा राव एक कर्जा भी उतार रहे थे। कर्जा इस बात का कि जब राजीव की हत्या हो गई तो कांग्रेस की कार्यसमिति ने कहा कि सोनिया गांधी आकर नेतृत्व करें। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो सब दावेदारों में होड़ लग गई सोनिया का आशीर्वाद लेने की। सोनिया ने इंदिरा गांधी के पुराने साथी पीएन हक्सर से विचार विमर्श किया और ये तय पाया गया कि शंकर दयाल शर्मा, जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे, उन्हें ही अब कांग्रेस की अध्यक्षी संभालनी चाहिए। उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मतलब था सत्ता हासिल होने पर देश का प्रधानमंत्री बनना, लेकिन शंकर दयाल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर इनकार कर दिया और तब मुकुट सजा पीवी नरसिम्हा राव के सर। तो जून जुलाई 1992 में शुरू हो गई दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां। हमेशा की तरह इस बार भी मीडिया में कुछ नाम उछाले गए। कभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर और शिक्षाविद नूरुल हसन का नाम, कभी नजमा हेपतुल्ला का नाम, कभी उस वक्त के गृह मंत्री SB चौहान का नाम। लेकिन नरसिम्हा राव और शंकर दयाल शर्मा को पता था कि नाम तो शर्मा जी का तय हो चुका है। हालांकि इस दौरान राव इंदिरा गांधी की तरह विपक्ष के नेताओं से विचार विमर्श का नाटक करते रहे। और कमाल की बात यह है कि विपक्ष के नेता भी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर ज्यादा रिजर्वेशन नहीं रखते थे। बाद में भले ही कई लोगों ने पलटी खाई हो,
मगर उस वक्त तक सब ने ये मन बना लिया था कि शंकर दयाल शर्मा के नाम पर सहमति हो जाएगी। सबकी दिलचस्पी दरअसल उपराष्ट्रपति का पद हथियाने में थी। बीजेपी जिसके अध्यक्ष तो थे मुरली मनोहर जोशी, लेकिन सबसे ताकतवर नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी। वो चाहते थे कि उनका जो एक संभावित राजनीतिक प्रतिस्पर्धी है अटल बिहारी वाजपेयी, वो उपराष्ट्रपति बन जाए। वहीं वामपंथी दल नाम आगे बढ़ा रहे थे कांग्रेस के सांसद, लेकिन मिजाज से पूरे वामपंथी KR नारायणन का। KR नारायणन जो नेहरू के पास अपने प्रोफेसर का खत लेकर आए थे और भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे और उसके बाद राजीव के आमंत्रण पर राजनीति में आ गए थे, लेकिन भाजपा और वामपंथियों की सारी चाल में पलीता लगा दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो अभी भी जनता दल के ताकतवर नेताओं में से एक थे। बीपी सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब एक दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया जाए, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं होगा तो मेरे लोकसभा का सदस्य बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। दलितों का एक प्रेशर ग्रुप था जिसमें अलग अलग पार्टियों के नेता थे। कांग्रेस की तरफ से बूटा सिंह और अरविंद नेताम थे, जनता दल की तरफ से रामविलास पासवान थे। दिल्ली में समागम होने लगे और इस मांग को जोर शोर से उठाया जाने लगा। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से बी शंकरानंद का नाम आगे आया। 1987 में भी इनका नाम आगे आया था, कहा गया कि ये दलित हैं और सत्तारूढ़ पार्टी में स्वीकार्य हैं क्योंकि उसी के मेंबर हैं, लेकिन वामपंथियों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क ये था कि जिस शख्स ने संसदीय समिति की अध्यक्षता करके बोफोर्स मामले में राजीव गांधी को क्लीन चिट दी हो, उसकी ईमानदारी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। शंकरानंद का नाम खारिज हो गया। उधर अटल बिहारी वाजपेयी को समझ में आ गया था कि आडवाणी और जोशी कैसे उनके सियासी करियर को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने भी नरसिम्हा राव को संकेत कर दिया था कि मेरी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। सारे पत्ते खिलाड़ियों को लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से फेंक रहे हैं, लेकिन नरसिम्हा राव तय कर रहे थे कि किसके हाथ से कब ट्रंप छूटेगी, कब जोकर और कब दुबकी। आखिरी में खूब तमाशे के बाद विपक्ष की तरफ से नाम आया प्रोफेसर जीजी स्वैल का। ये नाम बीजेपी के प्लान बी का हिस्सा था कि अगर अटल बिहारी मना कर देते हैं तो मेघालय से आने वाले इस आदिवासी नेता को आगे बढ़ाया जाए। बीपी सिंह और कई दूसरे विपक्षी दल भी इस नाम पर सहमत हो गए थे और बाद में उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उतारा गया। कांग्रेस को अपनी सहयोगी पार्टियों के अलावा वामपंथी दलों का तो समर्थन मिला ही, शिवसेना भी उनके पक्ष में लामबंद हो गई। इलेक्टोरल कॉलेज अब पूरी तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट शंकर दयाल शर्मा के फेवर में था, जबकि असल बात ये थी कि अगर पूरी तरह से कांग्रेसी वोट गिने जाएं तो सिर्फ 40% लोग ही नरसिम्हा राव के हाथ में थे। तो वामपंथी दलों ने जब ये तय कर लिया, हरकिशन सिंह सुरजीत ने जब क्यूबा जाने से पहले ये तय कर लिया कि उपराष्ट्रपति के लिए KR नारायणन एक दलित कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी होंगे, तो राष्ट्रपति के चुनाव में ज्यादा लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई। वोटिंग हुई और नतीजे कुछ इस तरह से रहे। शंकर दयाल शर्मा को मिले 6,75,684 मूल्य के वोट। प्रोफेसर जीजी स्वैल को मिले 3,46,485 मूल्य के वोट। हमेशा की तरह आपको लग रहा होगा कि दो कैंडिडेट्स के बीच की लड़ाई थी, नतीजे आ गए। दो कैंडिडेट और थे मैदान में। सदा विद्रोही चिर विद्रोही राम जेठमलानी, जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था, आखिरी वक्त में जीजी स्वैल को अपना समर्थन दे दिया, लेकिन तब तक नाम वापसी की तिथि निकल चुकी थी और बैलेट पेपर पर राम जेठमलानी का नाम भी अंकित हो चुका था। राम जेठमलानी को मिले थे 2,704 मूल्य के वोट। एक कैंडिडेट और था जिसका नाम सुनते ही पुराने वोटरों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये कैंडिडेट थे काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़, जिन्होंने प्रधानी से लेकर राष्ट्रपति तक सब चुनाव लड़े। काका जोगिंदर सिंह को इस चुनाव में मिले थे 1,135 मूल्य के वोट। तो भोपाल की गुलिया दाई वाली गली में पैदा हुआ शंकर दयाल शर्मा देश का राष्ट्रपति बन गया। क्या क्या मोड़ देखे उसने सफर में। उसने इलाहाबाद में पढ़ाई की और तब नेहरू के संपर्क में आया। आनंद भवन में जाने के दौरान एक स्टडी सर्कल चलता था जिसको कभी नेहरू संबोधित करते थे, कभी उनके पिता
पंडित मोतीलाल नेहरू। नेहरू की ही प्रेरणा से वो वकालत में गया, लखनऊ में आकर यूनिवर्सिटी में मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ाने लगा और फिर नेहरू की ही सिफारिश पर, नेहरू के ही राजनीतिक रसूख के चलते आज़ादी के ठीक बाद वो भोपाल स्टेट का मुख्यमंत्री बनकर पहुंचा। कई वरिष्ठों की दावेदारी को किनारे करके वो फिरोज गांधी का दोस्त बन चुका था लखनऊ में। और फिरोज की ये दोस्ती फिरोज की बीवी के काम आई 1969 में, जब उसने अपने राजनीतिक गुरु कामराज और निजलिंगप्पा को धता बताते हुए इंदिरा गांधी का साथ चुना। बीच में एक डल फेज भी आया जब पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वो बिहार में गए और उन्होंने जेपी को द्रोणाचार्य बता दिया। संजय गांधी की कोटरी को ये बात पसंद नहीं आई और कुछ ही महीनों में पार्टी की अध्यक्षी उनसे ले ली गई। लेकिन राजनीति पुनर्वास की संभावनाओं का नाम है और शंकर दयाल का 1984 में पुनर्वास हो गया। उसके आगे की कहानी मैं आपको पीछे सुना चुका हूँ। राष्ट्रपति के तौर पर क्या यादगार रहा शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल में? 1996 के चुनाव हुए, कांग्रेस उस वक्त तक के अपने सबसे बुरी परफॉर्मेंस के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई। पहले पर भारतीय जनता पार्टी थी जिसके सहयोगी दलों के साथ मिलाकर 200 से ज्यादा सांसद थे। एक और मोर्चा बन गया था, संयुक्त मोर्चा, जिसमें जनता दल, सपा, तेलुगु देशम पार्टी, द्रमुक वगैरह कई पार्टियां थीं। ये पार्टियां अपना नेता ही नहीं चुन पा रही थी। 13 को इन्होंने तय किया कि वीपी सिंह होंगे, वीपी सिंह ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर 13 की रात को तय किया कि ज्योति बसु, जो उस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो इनके नेता होंगे। ज्योति बसु बनना चाहते थे देश का प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी पार्टी के पोलित ब्यूरो के युवा मेंबर प्रकाश करात वगैरह ने वीटो कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारा पूरा बहुमत नहीं है तो हम कैसे अपनी नीतियां लागू कर पाएंगे। अगले रोज 14 मई को अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें एक बरस पहले मुंबई अधिवेशन में पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री का चेहरा बता दिया था, वो पहुंच गए शंकर दयाल शर्मा के पास। मध्य प्रदेश के दोनों नेता वाजपेयी जी अपनी दावेदारी ठोक आए और कहा कि हमें सरकार बनाने के लिए, शपथ लेने के लिए न्योता भेजिए। शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि शाम तक का इंतजार करिए। उधर संयुक्त मोर्चा की मीटिंग चल रही थी और जब ज्योति बसु का भी इनकार आ गया क्योंकि उनकी पार्टी की पोलित ब्यूरो ने मना कर दिया था, तब नेता बना दिया गया उस वक्त के कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD देवेगौड़ा को। लालू की दावेदारी खारिज हो गई क्योंकि बिहार के शरद यादव और रामविलास पासवान उनके नाम के विरोधी थे और इधर मुलायम सिंह भी थे जो लालू के नाम से सहमत नहीं थे। और ऐसे में देवेगौड़ा के समर्थन का पत्र कांग्रेस ने, जिसके अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव थे, रात में पहुंचाया। लेकिन रात से पहले शाम थी और शाम को शंकर दयाल शर्मा संवैधानिक परंपराओं का हवाला देते हुए लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री की शपथ लेने का न्योता दे चुके थे। अटल बिहारी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, 13 दिनों में वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और उनकी सरकार गिर गई। और इसको लेके शंकर दयाल शर्मा की और प्रकारांतर से नरसिम्हा राव की भी खूब आलोचना हुई। शंकर दयाल शर्मा जो गवर्नर बने तो इस्तीफा दिया, जो इस्तीफा दिया तो उनकी पत्नी विमला शर्मा ने विधायकी का चुनाव लड़ा। शंकर दयाल पर इल्जाम लगे कि गवर्नर हाउस में रहते हुए भी वो एक पार्टी के प्रत्याशी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। बाद में शंकर दयाल शर्मा के बेटे आशुतोष शर्मा ने भी भोपाल से चुनाव लड़ा और फिलवक्त जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे बुरी तरह हारे। शंकर दयाल शर्मा एक वकील जो राजनेता बना और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा और जिसे उसके समकालीन सिर्फ और सिर्फ उसकी विद्वता, विनम्रता और इंदिरा गांधी के परिवार के प्रति अगाध श्रद्धा के लिए याद रखते हैं। एक और नेता जिसको देश याद रखेगा, एक और नेता जो देश का अगला महामहिम बनेगा, उसकी कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज के बारे में आपका क्या सोचना है। फेसबुक पर ये वीडियो देखने वाले दोस्तों से हमारी अपील है कि हमारे पेज को लाइक करिए, औरों को भी इसके बारे में बताइए। और YouTube पर जो ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी भी टंटना दें ताकि हमारे और आपके बीच द्रुत गति से संदेशों का आदान प्रदान होता रहे। शुक्रिया।